हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस के एप्लीकेशन की। डायमेंशंस के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। हमने बताया कि भी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनके ऊपर जो हम पावर रिलीज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी ड्राइव्ड यूनिट को निकालने के लिए, दो डायमेंशंस, उनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब चूंकि बिल्कुल नई चीज आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत क्रिएट होगी, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना डायमेंशन मेथड से कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहेंगे भाई किलोग्राम को मीटर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किलोग्राम एक अलग फंडामेंटल यूनिट है और मीटर एक अलग फंडामेंटल यूनिट है। एक फंडामेंटल यूनिट को दूसरी फंडामेंटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू आपने कहा 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मास, ग्राम इज आल्सो यूनिट ऑफ मास, यानी एक यूनिट को दूसरी वैसी ही यूनिट में बदला जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किलोग्राम को आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, किलोग्राम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, नहीं हो सकता। हाँ, कहने का तरीका अलग हो सकता है। आपने कहा 1 kg, मैंने कहा 1000 ग्राम, बात बराबर है। तो ये पहले सिस्टम की यूनिट है U1, ये पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दूसरे सिस्टम की यूनिट है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दोनों आपस में समान होंगे। यूनिट का मतलब यहां पर डायमेंशन से है, ठीक है। तो ये भी मास की डायमेंशन होगी, ये भी मास की डायमेंशन होगी। तो हमें जिस चीज को चेंज करना होगा पहले उसकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पहले सिस्टम में आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, पहले सिस्टम में उसकी यूनिट मतलब डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, दूसरे सिस्टम में लिखनी पड़ेगी और U2 लिखनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल करना होगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, हमने कहा, और एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और सीजीएस क्या होती है, डाइन। तो हमने कहा चेंज 1 न्यूटन इंटू डाइन, हमने आपसे कहा चेंज 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करिए। आप पढ़ चुके हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है, हमने कहा नहीं, आप डायमेंशन मेथड से प्रूव करिए। तो देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू पता नहीं कितने डाइन, यही पता नहीं जो है यही आपको निकालना है, ठीक है। तो ये पहले सिस्टम की यूनिट है U1, ये दूसरे सिस्टम की यूनिट है U2, ये पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये वैल्यू आपको नहीं मालूम, दोनों को इक्वल करना है। तो चूंकि पहली यूनिट भी फोर्स की है, दूसरी यूनिट भी फोर्स की है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है ये बताई जा चुकी है, याद कर लीजिएगा, और प्रोसेस भी बताया जा चुका है, MLT inverse 2, ये डायमेंशन की फोर्स जो है, फोर्स की डायमेंशन है। अब देखिए इन फर्स्ट सिस्टम, जब पहले सिस्टम में हम बात कर रहे थे न्यूटन वाले में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 1, और यूनिट कैसी थी, MLT inverse 2, ठीक है, फोर्स ही तो था वो। इन सेकेंड सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी मुझको नहीं मालूम थी, यूनिट क्या थी, MLT inverse 2। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ही क्लास में अगर एक ही नाम के दो लोग हों तो टीचर 1-2 लगा देता है, तो ये भी फोर्स की डायमेंशन है, ये भी फोर्स की डायमेंशन है, तो दोनों में बाइफरकेट कैसे करें। तो हम यहां लिखेंगे M1 L1 T1 inverse 2, M2 L2 T2 inverse 2, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू एंड, प्रोसेस समझ लिया, तो प्रोसेस ही में यहां पर है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि N1 U1 विल इक्वल टू N2 U2, N1 U1 N2 U2 के बराबर होता है, क्योंकि जितने भी न्यूटन जितने भी डाइन होगा ये आपस में
सेम होंगे। एन वन इज वॉट, एन वन वन है, यू वन क्या है, एम वन एल वन टी वन इनवर्स टू इज इक्वल टू, एन टू मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, एम टू एल टू टी टू इनवर्स टू। तो जब यहां से एन टू निकालोगे तो एम वन एम टू ये पूरा सिस्टम इधर आएगा, तो एम वन किस एम टू किसके नीचे जाएगा, एम वन के नीचे, तो एम वन अपॉन एम टू, एल वन के नीचे कौन आएगा एल टू, और टी वन के नीचे कौन आएगा टी टू, और इनवर्स टू लिखा है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब आपका डायमेंशन का काम खत्म, अब सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है। अब देखिए अपने आप से क्वेश्चनिंग करते जाओ आंसर मिलता जाएगा। M1 क्या है, आप कहेंगे M1 मास है, किस सिस्टम में है, न्यूटन वाले सिस्टम में, MKS सिस्टम में है, तो ये हो जाएगा 1 kg। M2 क्या है, M2 भी मास है, कहां पर है, सेकेंड सिस्टम में है, 1 ग्राम। L1 क्या है, 1 मीटर। L2 क्या है, 1 सेंटीमीटर। T1 क्या है, 1 सेकेंड। T2 क्या है, ये भी 1 सेकेंड, इनवर्स टू। जब रेशियो सॉल्व हम करते थे तो अगर ऊपर रुपीस है नीचे पैसा है तो हम क्या करते थे, या तो रुपीस को पैसे बदलिए या पैसे को रुपीस बदलिए। ये केजी है, ग्राम है, हमें कन्वर्ट किसमें करना, वो काम खत्म हो गया, हमको इसे सॉल्व करना है। तो आप या तो इसको केजी में करिए या तो इसको ग्राम करिए, तो इसको छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिखेंगे 1000 ग्राम, इसको लिखेंगे 1 ग्राम, 1 मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड में ही है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। तो अब ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1000, ये बचेगा 100, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 10^5 टाइम बदल गया, टाइम। तो ये तरीका होता है किसी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ आपको दे देंगे, न्यूमेरिकल्स दे देंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने कहा, एक और एग्जांपल इसी का लेते हैं, वैल्यू ऑफ जी, जी जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने लिखा 10 m/s² बाई डायमेंशन मेथड, बाई डायमेंशन मेथड चेंज इट इंटू इंटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, इसको किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करिए या सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर चेंज कर लीजिए और छोटी वैल्यू कर दीजिए, ये चेंज करना है। जरा देखिए ध्यान से, आपने कहा 10 m/s² कन्वर्ट करना सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में, इसकी वैल्यू उसको नहीं मालूम, यही आपको निकालनी। ये पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है 10, ये हमको मालूम नहीं है, ये पहले सिस्टम की यूनिट है, ये दूसरे सिस्टम की यूनिट है मिनट स्क्वायर, दोनों ही यूनिट एक्सीलरेशन की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सीलरेशन की डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। देखिए सोल्यूशन क्या इसका होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी इनवर्स टू, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, पहले सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है, वो 10 है, ये पहले सिस्टम की यूनिट कितनी है, यू वन एल वन टी वन इनवर्स टू, दूसरे सिस्टम में वैल्यू कितनी आएगी मुझे नहीं मालूम, और दूसरे की यूनिट कितनी है L2 T2 इनवर्स 2। ठीक है, सबसे पहले आपको डायमेंशन लिखनी पड़ती है, और ये समझिए अगर डेंसिटी को कन्वर्ट करना है तो आएगी डेंसिटी ही, अगर फोर्स को करना है तो आएगा फोर्स, केवल उसका कहने का तरीका अलग हो जाएगा। तो वी नो दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 कितना है, N1 10 है, U1 कितना है L1 T1 इनवर्स 2, N2 कितना है मुझे नहीं मालूम, U2 कितना है L2 T2 इनवर्स 2। अब जब N2 लाओगे तो N2 के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो सब इधर शिफ्ट होके आ जाएगा,
तो एन टू की वैल्यू देखिए, ये 10 है, एल वन के नीचे कौन आएगा एल टू, और टी वन के नीचे कौन आएगा टी टू, और इनवर्स टू इधर लगा हुआ है। अब जरा अपने आप से क्वेश्चनिंग करिए, एल वन क्या है, आप कहेंगे लेंथ है, पहले सिस्टम में वो मीटर में थी, हमने लिखा 1 मीटर। L2 क्या है, आप कहेंगे लेंथ है दूसरे सिस्टम की 1 सेंटीमीटर। T1 क्या है 1 सेकेंड, T2 क्या है 1 मिनट, इनवर्स टू। अब चूंकि रेशियो सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास ये है कि हमको एक सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये 10 है, इसको क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये क्या लिखेंगे 1 सेकेंड, और ये लिखेंगे 60 सेकेंड, इनवर्स टू। अब से सॉल्व करिएगा 10 into 100, देखिए इनवर्स टू है, इनवर्स का मतलब नेगेटिव पावर, पॉजिटिव कैसे होगी, इसको पलट दीजिएगा, पलटेंगे तो 60 ऊपर आएगा और पावर 2 हो जाएगी, तो 60 into 60, तो 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3.6 into 10 to power 6 का मतलब क्या है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो ये पहला यूज डायमेंशन का है, एक सेकेंड, जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है टू चेक द डायमेंशनल इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन। देखिए डायमेंशनल इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे, दूसरा इसका जो ये है, दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है टू चेक डायमेंशनल इक्विलिब्रियम, डायमेंशनल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इक्वेशन। देखिए इसको देखने के पहले एक थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी होती है, होमोजेनियस आपने पढ़ा है एक जैसा, होमोजेनिटी का मतलब यहां पर यह है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी किसके इक्वल हो सकती है वेलोसिटी के, वेलोसिटी में क्या प्लस हो सकता है वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या माइनस होता है वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी वेलोसिटी की इक्वल होगी, टाइम में टाइम प्लस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा 1 kg इज इक्वल टू कितने मीटर, केजी में केजी प्लस होगा। तो कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन करनी पड़ेगी, और लेफ्ट या राइट में अगर प्लस लिखा है तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल एक ले लू इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन, चेक द इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको चेक करना है यह सही है। देखिए v क्या है वेलोसिटी, u क्या है वेलोसिटी, at क्या है वेलोसिटी, तो कहते हैं ये भी होना चाहिए वेलोसिटी, ये भी होना चाहिए वेलोसिटी, ये भी होना चाहिए वेलोसिटी, सबकी अलग अलग डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो पहले हम डायमेंशन ऑफ LHS लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो v की डायमेंशन क्या होगी LT इनवर्स 1। अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS, तो डायमेंशन ऑफ u लिखेंगे पहले प्लस डायमेंशन ऑफ at लिखेंगे, u की डायमेंशन क्या होती है lt इनवर्स 1 प्लस a, यहां पर एक्सेलरेशन है इसकी lt इनवर्स 2 इंटू t की t हो जाएगी, ये पावर 1 है ये पावर माइनस 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है पावर प्लस हो जाती है, तो ये भी आएगा lt इनवर्स 1 और ये भी आ जाएगा lt इनवर्स 1। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा हो गया प्लस 2 हो गए, ये मतलब नहीं है, मतलब यह है कि ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसको कहते हैं इक्वेशन। तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, एक वर्ड आया है ये करेक्ट कैसे है, डायमेंशनली करेक्ट क्यों कहा गया, देखिए अगर मैं यहां लिख देता 2u तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो अल्टीमेटली डायमेंशन LT इनवर्स 1 ही आएगी, तो 2u प्लस AT भी इक्वेशन सही है,
डायमेंशन मेथड से, वो एक अलग की बात है कि आपका जो मेन इक्वेशन है उसके हिसाब से गलत है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडररूट एल बाई जी। हमने कहा एक प्रूफ करिए डायमेंशनली करेक्ट है, तो पहले तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस तो चूंकि टाइम है तो इसका डायमेंशन तो टी ही रहेगा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस, देखिए 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, एल की डायमेंशन एल अपान जी क्या चीज है, एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी इनवर्स टू, और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, ये एल कट गया, टी इनवर्स ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में पावर आ जाएगी पावर हाफ, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा टी। तो आपने क्या देखा कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली हमने बताया कि अगर ये 2 पाई यहां ना भी होता तब ये इक्वेशन सही था, ठीक है, या यहां 10 पाई हो जाता तभी क्वेश्चन सही था, क्योंकि इफेक्ट आपके एल और जी डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको इक्वेशन को चेक करते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी थोड़ा लेंदी है, उसको समझ लीजिएगा, तीसरा जो इसका यूज है वो लेंदी है, चार मेन यूजेज यहां डिस्कस किए जाएंगे, मेन तो तीन है, एक चौथा और हमने बना दिया है। देखिए तीसरा है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का आप रिलेशन पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, बहुत सारे फॉर्मूले आप डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डायमेंशन मेथड से उनको आप प्रूफ करके दिखाइए, और एक खास बात इसमें है, इसमें वही रिलेशंस आएंगे जिनमें केवल 3 क्वांटिटीज होंगी, ठीक, बहुत सारी क्वांटिटीज का रिलेशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, जरा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो क्योंकि कोई मेथड नहीं, एग्जांपल ही से समझ आ जाएगा। देखिए इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका आप रिलेशन करिए एक्सप्लेन, एक तो जिस फॉर्मूले को प्रूफ कराएंगे उसमें देंगे कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, तो पहले आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो ये जब आपको क्वेश्चन देंगे तो ये आपको देंगे कि ये चीज जो डिराइव कर रहे हो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, एक तो बॉब होता है, गोलक कहते हैं उसको, एक थ्रेड होती है, धागा होता है, उसकी कुछ लंबाई होती है, और एक वो जगह होती है जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो कह रहे टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, तो आप लिखेंगे इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, टाइम पीरियड को टी से हम इंडिकेट करते हैं, टी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, ये किस पर डिपेंड करता है, पहली बार टी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड, थ्रेड की लंबाई पे करता है, यानी टी प्रोपोर्शनेट एल। दूसरा मास ऑफ बॉब, बॉब यानी टी प्रोपोर्शनेट एम। तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी प्रोपोर्शनेट जी। अब यहां एक लफड़ा है, आपने कहा टाइम पीरियड एल पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मतलब क्या हुआ भाई, लेंथ के बढ़ने पर टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, इसको भी डिपेंड करता कहते हैं, लेंथ के बढ़ने पर घट भी सकता है, इसको भी डिपेंड करता कहते हैं, लेंथ एल है टाइम पीरियड एल स्क्वायर हो सकता है, लेंथ एल है टाइम पीरियड एल टू पावर हाफ हो सकता है, तो
किस तरह डिपेंड करता है ये तो नहीं हमने बताया ना। तो हमने कहा लेंथ ऑफ द थ्रेड टू रेज पावर ए, टू रेज पावर ए, हमने कहा लेंथ टू पावर ए पर डिपेंड करता है। अब जो भी ए होगा, बॉब मास ऑफ बॉब टू रेज पावर बी, ये बी पावर पर डिपेंड, ग्रेविटी टू रेज पावर सी, तो इस पर डिपेंड करता है। ये पहला हमने बताया, ये दूसरा हमने बताया, ये तीसरा हमने बताया, ठीक। अब तीनों ही क्वेश्चंस को मिला दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, टी प्रोपोर्शनल एल टू पावर ए, एम टू पावर बी, जी टू पावर सी, और टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट के लिखते हैं हम, एल टू पावर ए, एम टू पावर बी इंटू जी टू पावर सी। ये फार्मूला आपका प्रूफ हो के आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप एल एम एन की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन रख दीजिए, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स। देखिए इधर t की डायमेंशन t है, यहां m है नहीं है, l है नहीं है, तो आप चाहो तो m टू पावर 0, l टू पावर 0 ले सकते हो, चाहो मत, ठीक है। k कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, l की डायमेंशन l होती है, की पावर a हो जाएगी, m मास है, डायमेंशन m होती है, g एक्सेलरेशन है, एल टी इनवर्स 2 होती है, की पावर c। देखिए l की पावर a यहां पर आएगा, l टू पावर c यहां पर आएगा, तो l टू पावर a प्लस c, m अकेला है, t की पावर माइनस 2c। इधर क्या है, m टू पावर 0, l टू पावर 0, t, आप चाहे तो 0 पावर लिखें चाहे ना लिखें। अब दोनों इक्वल हैं तो दोनों के पावर्स को आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ द साइड। तो देखिए l की पावर क्या है, a प्लस सी, यहां क्या है 0, ये एक ही क्वेश्चन आया। m की पावर क्या है, b, यहां क्या है 0, तो b तो ऑलरेडी निकल आया, ठीक है। t की पावर क्या है, माइनस 2c, यहां है 1, c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ, c माइनस हाफ आ गया, c को यहां रख दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, a निकल आया, b निकल आया, c निकल आया। अब a b c को उठाइए और इन सबको इक्वेशन 4 में रख दीजिएगा, पुटिंग a b c इन इक्वेशन 4। तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू k, l टू पावर a मतलब हाफ, m टू पावर b मतलब 0, l टू पावर c मतलब माइनस हाफ। तो k हाफ मतलब अंडर रूट होता है, ये g इधर आ जाएगा, तो k अंडर रूट l बाई जी। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं, अब आप कहेंगे हम नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते नहीं छोड़ दीजिए, ये भी आपका सही आंसर है, लेकिन चूंकि बहुत सारे आप जो एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें आपने पूरी फिजिक्स पढ़ ली होगी, तो आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली के की जो वैल्यू ली जाती है, यहां 2 पाई ली जाती है, तो t बराबर 2 पाई रूट l बाई जी। तो इस प्रकार से बहुत सारी ये सिस्टम होता है कि बहुत सारी क्वांटिटीज में पावर सॉरी रिलेशन एस्टेब्लिश करना। जब ये क्वेश्चन में देंगे तो ये क्वेश्चन देंगे कि ये चीज वो प्रूफ करने जा रहे हो, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक। एक और लास्ट है, दो तीन क्वेश्चंस की बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड के आधार पे। देखिए वैसे तीन ही ये यूज बताए जाते हैं यहां पर, लेकिन चौथा हम बताए दे रहे हैं, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं। टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन, किसी भी क्वेश्चन दी हुई है वहां से आपको कुछ कॉन्स्टेंट देंगे उसकी डायमेंशन निकालना है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल वन में ले रहा हूं। हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी इज गिवन बाई ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम लाइक दिस इक्वेशन, तो ए बी सी डी का एक रिलेशन निकालिए, इसमें ए बी सी डी का डायमेंशन निकालिए। जरा सावधान, ये क्या है, वेलोसिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है
कि वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगा वेलोसिटी, ये क्या होगा वेलोसिटी, ये क्या होगा वेलोसिटी, सब वेलोसिटी है। यहां पर देखिए डी में किसको प्लस किया है, टाइम, डी किसमें प्लस किया गया है, टाइम में, और टाइम में क्या प्लस कर सकते हो, टाइम, तो डी की डायमेंशन क्या होगी, वही होगी जो टाइम की डायमेंशन होगी, तो आप कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ डी विल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, यानी कि डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी, ठीक है। ये पूरी चीज क्या है, वेलोसिटी, यानी जब आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, ये किसके इक्वल होगा, ये डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एडेड इनटू वेलोसिटी। तो जब डायमेंशन ऑफ सी निकालेंगे यहां पर, तो आएगा डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ डी प्लस टी, ये डायमेंशन लिखा है, वी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी इनवर्स वन, डी प्लस टी मतलब टाइम, अब टाइम प्लस टाइम बराबर टू टाइम नहीं, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन टी, तो ये क्या हो जाएगा एल, तो सी की डायमेंशन क्या होगी एल, यहां पे आइए, ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, तो जब डायमेंशन ऑफ वी निकालेंगे तो आएगा डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, वी की एल टी इनवर्स वन, टी की टी, इसको ऊपर ले जाओ तो आएगा एल टी इनवर्स टू, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी दैट इज एल टी इनवर्स वन, ये एबीसीडी के डायमेंशन है। जरा सा होगा, कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये कहते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एबीसीडी, तो देखिए डी की डायमेंशन टी है, इसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड, सी की एल है, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, इसकी क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या होगी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट होगी। कभी कभी और क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी दीज एबीसीडी रिप्रेजेंट, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, सी करता है लेंथ को, बी करता है एक्सेलरेशन को, और ए करता है वेलोसिटी को, इस प्रकार से इसको आप निकालें। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक वंडरवाल साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैस इक्वेशन एक होती पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आगे पढ़ेंगे, कि जो आइडियल गैस है अगर किसी बर्तन में भर दी जाए, बायल चार्स ला आपने पढ़े होंगे, बायल ला चार्स ला प्रेशर ला, तो उन्होंने कहा कि जो गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी होती है, उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया, वंडरवाल इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन ए प्लस सॉरी पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आरटी, एक गैस इक्वेशन पढ़ाई जाएगी आपको पीवी इज इक्वल टू आरटी, केमिस्ट्री में पढ़ाई गई होगी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, प्रेशर को उन्होंने कहा पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वेलोसिटी को कहा, वॉल्यूम को कहा वी माइनस बी, तो ये नया इक्वेशन दिया, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ए और बी की डायमेंशन निकालिए, वंडरवाल इक्वेशन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, जरा समझिएगा अभी क्या लफड़ा है ये हम नहीं बता रहे, वंडरवाल इक्वेशन है ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन नहीं देते हो, कहते हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन वंडरवाल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है प्रेशर, प्रेशर में क्या प्लस कर सकते हैं, प्रेशर लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि आप कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर विल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, भाई प्रेशर में प्रेशर ही तो प्लस कर सकते हैं, तो जब डायमेंशन ऑफ ए निकालेंगे तो इधर क्या है डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, पी है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स टू, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है एम ए अपॉन एरिया, मास का एम होता है, एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स टू होता है, एरिया का एल स्क्वायर होता है, इसको ऊपर ले जाओ, वी यहां वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, उसकी पावर टू है एल टू पावर सिक्स हो जाएगा, तो ये पावर यहां प्लस करोगे तो एम एल टू पावर फाइव टी टू पावर माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन है ए की, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में किसको माइनस करेंगे वॉल्यूम को, तो डायमेंशन ऑफ बी
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, तो इसका एल क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीन लॉज बताए इसके, इसकी कैसे न्यूमेरिकल इसके लगाएंगे, और क्वेश्चन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।